सक्करदरा पुलिस थाना अंतर्गत 29 जून को घरफोड़ी की शिकायत दर्ज हुई थी। इस मामले में लिप्त आरोपियों को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से खोजकर धर दबोचा है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सत्यवान मानी द्वारा दी गई है। सक्करदरा पुलिस थाने में 29 जून को सुरविल लेआउट में घरफोड़ी की शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और डीबी टीम को मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को मुद्देमाल के साथ धर दबोचा है। जब्त के मुद्देमाल में करीबन 3 किलो चांदी, नगद, सोना, साथ ही दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। इसमें यह है कि 29 जून को गुना दाखिल हुआ सुरवे लेआउट, वहाँ पे एक बंद घर में ताला तोड़ के वहाँ पे चोरी हुआ था। इसमें हम लोगों ने काफ़ी तहकीकत किया, उसका आरोपी जो हम सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मिला था उस आधार पर, और ये डीबी इंटेलिजेंसी पथक ने जो इंफॉर्मेशन निकाला इस आधार पर हम लोगों ने 4 आरोपी का धर दबोचा, और इसमें से उन्होंने गुना चोरी की ऐसा कबूल किया। और चोरी के जो गए थे प्रॉपर्टी अंदाजन 3 किलो चांदी, कैश, सोना, ऐसा हम लोगों ने प्रॉपर्टी, उसकी 2 गाड़ियाँ, ऐसा प्रॉपर्टी हम लोगों ने रिकवर किया। इसमें कुल 4 आरोपी हैं। इसमें एक का नाम है शुभम प्रकाश मानके है, दूसरे का नाम है सुनील रामपाल कश्यप, तीसरे का नाम है आदित्य पैगाम, और चौथे का नाम है करण शंबरकर। ऐसे 4 आरोपी हैं, 4 हम लोगों ने पकड़ के गुने की प्रॉपर्टी रिकवर किया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों में शुभम मानकी, सुनील कश्यप, आदित्य पैदम और करण शंभरकर का समावेश है। इनमें कुछ आरोपियों पर इमामवाड़ा पुलिस थाने में कुछ अपराध दर्ज है। इस मामले की आगे की जांच पुलिस कर रही है। ऐसी जानकारी सक्करदरा पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सत्यवान मानी द्वारा दी गई। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।